नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस बार पायलट पर आरोप लगाया गया है कि सचिन पायलट के दिल में भाजपा तो मुंह में कांग्रेस पार्टी है। खैर, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट पर यह कोई पहली मर्तबा आरोप लगे हों भाजपा से मेलजोल के। इससे पहले भी जब राजस्थान में सियासी महासंग्राम छिड़ा था तब उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने सचिन पायलट पर भाजपा की मेहमान नवाजी जैसे आरोप लगाए थे। खैर, अब कैसे ये विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है उसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासी रण में इन दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का किरदार बेहद दिलचस्प हो चला है, फिर चाहे जिक्र राजस्थान का हो या फिर मध्य प्रदेश का। पायलट इन दिनों दोनों ही प्रदेशों में खासा सुर्खियों में है। गौरतलब है कि सचिन पायलट हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बागी हो गए थे। खैर, बाद में पंजे के पहलुओं में पायलट लौट तो आए लेकिन सियासी विरोधियों को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया। आपको बता दें कि जब पायलट सूबे की गहलोत सरकार को अल्पमत में बताकर बगावत की थी तब उनके पार्टी के नेताओं ने ही यानी मुख्यमंत्री गहलोत सहित तमाम नेताओं ने उन पर भाजपा से मिले होने और भाजपा की मेहमान नवाजी जैसे कई आरोप लगाए थे। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। लिहाजा अब एक बार फिर पायलट पर आरोप लगा है कि सचिन पायलट के दिल में भाजपा और मुंह में कांग्रेस है। दरअसल इस बार पायलट पर यह आरोप राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सियासी रण में लगा है। गौरतलब है कि जब से पायलट के मध्य प्रदेश में बतौर स्टार प्रचारक उतरने की बात चली है, पायलट को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा अचानक आक्रामक हो गई है। लिहाजा इसी क्रम में अब ग्वालियर से भाजपा के विधायक जयभान सिंह पवैया ने पायलट को लेकर तंज कसा है। पवैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पायलट के दिल में भाजपा और मुंह में कांग्रेस है। साथ ही पवैया ने यह भी कहा कि पायलट के आने से अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उनके दिल में भाजपा होगी और मुंह में कांग्रेस होगी, इसलिए सचिन जी के आने और नहीं आने से जनता गुमराह नहीं। भाजपा विधायक जयभान सिंह पवैया यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि भाई बहन यहां कदम रखें, उनके कदम रखते ही हमारी मेहनत आधी रह जाएगी। और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई भाई बहन में से किसी का कदम तो पड़ जाए संभाग में, हमारा काम हमारी मेहनत आधी रह जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अब सचिन पायलट और प्रियंका के रोड शो को लेकर सियासत परवान चढ़ने लगी है। खैर, आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि पायलट और प्रियंका आखिर कब मध्य प्रदेश के सियासी रण का आगाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ICC अभी इनके दौरे को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि मध्य प्रदेश में इन दिनों सचिन पायलट का किरदार बेहद सुर्खियों में है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस प्रकार से पायलट के दौरे को लेके जो विवादों जैसी स्थिति बन गई है उसमें अब एक नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा अब सचिन पायलट के दौरे को लेकर आक्रामक हो गई है। लिहाजा जिस प्रकार से भाजपा विधायक जयभान सिंह पवैया ने जो बयान दिया वो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों सुर्खियों पर है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर सचिन पायलट मध्य प्रदेश के सियासी सरजमी में कदम कब रखते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।